लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए अपनाएं हमारे ये आयुर्वेदिक उपाय, आपके शरीर के अंदर खून की कमी होगी दूर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारा वीडियो लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड में वीडियो शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में संतुलित होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। आपको बता दें कि हीमोग्लोबिन की कमी को आप सामान्यतः नोटिस नहीं कर सकते हैं। इस बीमारी का ब्लड रिपोर्ट के जरिए ही पता चलता है। वास्तव में हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने वाला एक मेंटल प्रोटीन होता है जो शरीर के तमाम हिस्सों तक ऑक्सीजन सप्लाई की आपूर्ति करता है। इसके अलावा शरीर सही तरह से काम करे इसमें भी इसकी अहम भूमिका होती है। शरीर में मौजूद आयरन का लगभग 70% हीमोग्लोबिन में पाया जाता है जो कि मेटाबॉलिज्म को सही रखता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और सांस संबंधी समस्याओं को भी दूर कर रखता है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए कितना अहम होता है। आयुर्वेद के अनुसार आप डाइट में कुछ चीज़ों को शामिल करके हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। हीमोग्लोबिन कम होने के लक्षण क्या हैं वो भी आपको बता रहा हूँ। हीमोग्लोबिन कम होने पर व्यक्ति में कई तरह के लक्षण दिखते हैं, जैसे थकान, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ, त्वचा का पीलापन, हृदय गति का अनियमित होना, चक्कर आना, हल्का सर दर्द होना, सीने में दर्द होना, हाथ पाँव में ठंड महसूस होना। हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए हमारे आयुर्वेदिक उपाय हैं, वो ध्यान से देखिएगा। आप करेंगे तो उससे आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ, इससे आपको फायदा होगा। तो सबसे पहले है चुकंदर यानी बीटरूट। आयुर्वेद के अनुसार हीमोग्लोबिन का आपूर्ति के लिए चुकंदर बेहतरीन खाद्य पदार्थों में से एक है। माना जाता है कि आयरन से भरपूर होता है, इसमें पोटेशियम, फॉलिक एसिड और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं या फिर इसका जूस भी पी सकते हैं। इसके अलावा इसे इडली, चीला और सैंडविच में भी शामिल करके भी आप डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। दूसरा है अंजीर यानी फिक्स। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए आप अंजीर को भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप रोजाना अंजीर का सेवन करते हैं तो इससे हीमोग्लोबिन का मात्रा बढ़ने से मदद मिलती है। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को भी अपनी डाइट में अंजीर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें अन्य कई तरह के पोषक तत्व जैसे विटामिन सी, आयरन, विटामिन ए, मैग्नीशियम और फोलेट होते हैं। आपको बताते चलें कि विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बेहतर रखता है और हड्डियों को मजबूत करने और गर्भ में पल रहे शिशु के विकास का अहम योगदान निभा सकता है। अगला है काली किशमिश, ब्लैक रेजिंस। काली किशमिश आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। आयुर्वेद में इसे एनीमिया से छुटकारा पाने के लिए बेहतरीन सोर्स माना जाता है। यही नहीं, सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। इसका सेवन करने के लिए बेहतर है कि आप 7-8 काली मिर्च को पानी में रात भर के लिए भिगो कर रखें, अगली सुबह इसका सेवन करें। अगला है खजूर यानी डेट्स। खजूर में कैंसर रोधी गुण होते हैं जो इस बीमारी के रिस्क को कम करते हैं। इसमें प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। खजूर एरिथ्रोसाइट उत्पादन को बढ़ा करके हीमोग्लोबिन यानी HGV के स्तर में सुधार कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति को रोजाना 1 से 2 खजूर का सेवन करना चाहिए, विशेषकर उन महिलाओं के लिए लाभकारी है जो प्री मेनोपॉज के दौर से गुजर रही हैं। अगला है काला चना।
अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया है तो उन्हें उबले और भुने हुए काले चने का आवश्यक तौर पर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। यह हेमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे शरीर में तमाम हिस्सों में ब्लड सप्लाई को बेहतर तरीके से किया जाता है। अगला है तिल के बीज। तिल के बीज आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम और विटामिन B6, फॉलेट और विटामिन ई से भरपूर होते हैं। हर किसी को इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। नियमित रूप से इसका सेवन करने पर हीमोग्लोबिन का स्तर में सुधार होता है और आयरन की कमी की आपूर्ति में मदद करता है। हीमोग्लोबिन के कुछ अन्य बेहतरीन स्रोत हैं, जैसे आंवला, च्यवनप्राश, अनार, कमल के बीज, मखाने, नारियल जैसी चीज़ों को भी अपनी डाइट में शामिल कर हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद में इस तरह की चीज़ों को खाने की सलाह दी जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। मेरे हिसाब से ये वीडियो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा वीडियो है, और ये आपको अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आप ये उपयोग आज से ही चालू कर सकते हैं। कल का इंतजार मत करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। आज मतलब काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, वो वाली अपना योजना बनाना है। और हीमोग्लोबिन अच्छा है तो आपका शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद।